दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों की EMCB कैसे चेंज करते हैं। अब इस EMCB में प्रॉब्लम ये हो रहा है दोस्तों कि ये जो है टेरिस पे लगा हुआ है, तो वैसे तो ये वाटरप्रूफ होता है, इसमें पानी जाता नहीं है, लेकिन ये होल के वजह से और जो इसके रबड़ है साइड के ये पूरे ख़राब हो गए हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, EMCB में जो है पूरा पानी अंदर गया हुआ है, तो थोड़ा टाइम जैसे ही ऑन करेंगे तो ट्रिप हो जाता है, नीचे भी ट्रिप हो जाता है, ऊपर से ट्रिप मार देता है। तो और ये बराबर जो है इसका, ये देखिए ये ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है टायर इस पे लगा हुआ है। तो क्या होता है कि बारिश का जो पानी है वो इसी में आता है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें दो AC का है डबल डबल, ये देखिए फेस और न्यूट्रल दोनों कंट्रोल है इसमें, फेस और न्यूट्रल दोनों। तो अभी ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए पूरा जो ये देखिए पूरा पानी इसमें आ जाता है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा AC चलता ही नहीं है। तो इसको कैसे चेंज करना है, ये देखिए आउटडोर AC का, तो सबके जो कंट्रोल है वो यहीं पे ओपन में दिया हुआ है, इस वजह से ट्रिप हो जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि EMCB को कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हमारे पास MCB है, ये देखिए मैं लेके आया हूँ, ये देखिए 32 का है डबल पोल का, और बहुत सारे हैं मेरे पास, 43 के भी हैं, 40 के हैं, 63 का भी है, सिंगल भी लेके आया हूँ। तो मैं अभी पहले ये डबल पोल का मैं चेंज करता हूँ, तो चलिए बताता हूँ कैसे चेंज करना। तो दोस्तों अगर जैसे कोई नया काम सीख रहा है और अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चेंज करना, तो सबसे आसान तरीका है कि आप जैसे खोल रहे हो, अगर आप नए हो, जैसे कि आप खोल रहे हो, किसी समझ लीजिए कि आप पहले ऊपर का जो सप्लाई है आउटपुट का वो आप खोल रहे हो, तो कौन सा वायर कहाँ से निकाल रहे हो ये आपको ध्यान देना है, ताकि आपको लगाने के वक्त जो है आसानी होगी। तो चलिए पहले मैं ऊपर का जो है वो निकाल देता हूँ, और यहाँ पे अभी मैंने AC चेक करने के लिए जो फेस है वो डायरेक्ट दिया हुआ था, तो यहाँ से वो भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो है, ये देखिए ये फेस और न्यूट्रल हमारा जो है AC में जाता है, और अर्थिंग को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अर्थिंग तो डायरेक्ट गया हुआ है। तो अभी हमारा ये भी, ये देखिए हमारा 2.5 mm का कॉपर केबल है, आर्मर्ड है, वो भी सादा नहीं है, आर्मर्ड है। तो ये थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों, आसानी से मुड़ता नहीं है। तो ये देखिए मैंने ये निकाल लिया फेस और न्यूट्रल, ठीक है। और दोस्तों आप अगर नए हो और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको पहले AC का स्विच जो है नीचे जो मेन कंट्रोल कहीं पे भी हो उसको बंद कर लेना है। तो देखिए इसके ऊपर एक लॉक होता है, और लॉक में ऐसा फंसाएंगे टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद ऐसा ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारा ये देखिए आ गया। तो ये देख सकते हो कि इसके अंदर कितना जंग लग गया है, पानी जा जा के इसके अंदर पूरा जंग लग गया है। 32 का लगा हुआ था डबल पोल का, और अब इसकी कंडीशन जो है एकदम ख़राब हो चुकी है, ये देखिए देखिए दोस्तों। तो चलिए मैं सेम 32 का ही इसमें लगा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास टेक्नो का है 32 का, तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तो देखिए अब मैंने जो MCB का कनेक्शन है वो कर दिया है, पर अंदर अभी मैंने फिट नहीं किया है, क्योंकि अंदर फिट करता तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता। तो ये देखिए जो AC का हमारा जो AC में जाएगा इनपुट का वायर ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो अभी इधर रेड था तो मैंने इधर रेड दिया हुआ है, देखिए
यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ब्लैक, आप किसी भी साइड दे सकते हो, लेकिन अगर इसमें साइन दिया हुआ है कि रेड है तो यहाँ पे आपको फेस का वायर देना है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे जो हमारा मेन वायर जो आ रहा है नीचे से, ये देखिए जो मीटर से हमारा मेन वायर आ रहा है वो नीचे देना है, और जो आउटपुट के लिए जाएगा वो ऊपर देना है। तो जिस साइड आप फेस दे रहे हो उस साइड ऊपर एसी का फेस देना है, और जो साइड नीचे न्यूट्रल आप दे रहे हो मेन का, वो आपको ऊपर की तरफ एसी का न्यूट्रल देना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लगा सकते हो, आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे एसी वाले भाई हैं तो वो डरते हैं अगर इसमें काम करने के लिए, तो आप करके देखिए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी काम है तो दोस्तों आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अभी देखिए आप समझ लीजिए कि आपने आपको कस्टमर ने एसी के लिए बुलाया और आपने चेक किया, फिर आपको एमसीबी का प्रॉब्लम है और मान लो कि कुछ अर्जेंट है तो आप अर्जेंट के लिए दोस्तों कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, आपको किसी चीज़ के लिए अगर एसी का या फ्रिज का किसी चीज़ का अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप लोग किस अगर वायरिंग में या किसी चीज़ में भी काम करते हो तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपना ख्याल रखना है, और आपको अपनी जो अपने तरफ से जितनी सेफ्टी हो सकती है दोस्तों सेफ्टी करें, क्योंकि ये सब काम बहुत रिस्क वाला होता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।